इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है, भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलना, स्टूल पर बिठाना और होल्डिंग लगवाना केवल ये काम है, और गड्ढों की जगह जेब भरना जानती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा ये मिलावट वाले, झूठ बोलने वाले, धुआं उड़ाने वाले, टायर चढ़ाने वाले, और जनता इनसे बहुत नाराज है। प्रदेश सरकार को योगी सरकार नहीं चाहिए बल्कि योग्य सरकार चाहिए। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लखनऊ के साथ साथ कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया, जनता को हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है, जनता परेशान है। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है कि जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है, और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए।